1 0। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 धमाल मचाए पड़ा है, जो इस वक्त 42 दिनों के चंद्रमा के मिशन पर है। और दोस्तों इतनी रफ्तार से वो चल रहा है कि कमांड्स में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन चंद्रयान 3 ने दोस्तों अब ऐसी गुड न्यूज भारत को दे दी है कि पूरी दुनिया अब हैरान परेशान हो उठी है। और ऐसे में दोस्तों आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 इस वक्त कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, इस वक्त वो क्या कर रहा है और वो कौन सी जानकारी उसने इसरो को दे दी है जिससे अब नासा भी टकटकी लगा करके देख रहा है। क्योंकि दोस्तों इसका रॉकेट तो पहले ही दिन अलग हो गया था, तो अब ये इतनी ज्यादा रफ्तार में कैसे आगे बढ़ रहा है और उसकी स्पीड को इसरो कंट्रोल कैसे कर रहा है। चांद पर उतरते वक्त इस बार इसरो ने वो कौन सी सीक्रेट तकनीक इसके अंदर लगाई है जिस पर सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और दोस्तों चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में कौन सा ईंधन इस बार भरा गया है और वो लगातार फायर कैसे हो रहा है। सोचिए दोस्तों अगर वो जरा सी देर और फायर हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। तो दोस्तों भारत की रॉकेट और यान से जुड़ी ये तमाम जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब तगड़ा धमाल मचने जा रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको इस चंद्रयान 3 को लेकर के ताजा अपडेट्स मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 25 जुलाई को ही सबसे बड़ा गेम होने वाला है। मतलब दोस्तों अब जो चंद्रयान 3 धरती से 71,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है वो अब 1,00,000 किलोमीटर की दूरी को पार करके चला जाएगा और इसके बाद होगा सिंगल शॉट मिशन जो इसे चांद की हाईवे पर डाल देगा। लेकिन दोस्तों इस दौरान ना पेट्रोल और ना डीजल, तो अब किस ईंधन से चल रहा है चंद्रयान 3, किस फ्यूल से बनी हुई है 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और दोस्तों जब धरती का ऑर्बिट छोड़ेगा हमारा चंद्रयान 3 तो क्या रहेगी इसकी ओरिजिनल स्पीड। दोस्तों इसरो जब भी कोई उपग्रह लॉन्च करता है तो सबसे पहले रॉकेट लॉन्च होता है और जब धरती से एक खास दूरी पर ये पहुंच जाता है तो ये उपग्रह को छोड़ देता है और उससे अलग हो जाता है, सैटेलाइट कक्षा में रहता है क्योंकि उसकी अभी अपनी गति भी मौजूद होती है। रॉकेट से मिली ऊर्जा इसे एक नई दिशा में आगे बढ़ाती रहती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे दूसरी दिशा में खींचता है। गुरुत्वाकर्षण और संवेग के बीच ये संतुलन सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में मदद करता है। इसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप किसी पत्थर या गेंद को धागे से बांधकर उसे घुमाने लगते हैं। संवेग के कारण गेंद आपकी अंगुली के चारों ओर घूमती है और इसके अलावा इस पर एक और बल लग रहा होता है। ये बल लगता है रस्सी के द्वारा जो गेंद को आपकी अंगुली से बांधे रखती है। दोस्तों सैटेलाइट भी ठीक इसी तरीके से आसमान में घूमते हैं और हमारा चंद्रयान 3 भी ऐसे ही घूम रहा है। रॉकेट से मिली ऊर्जा के संवेग से वो चारों ओर घूम रहा होता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये बंधा हुआ भी रहता है और यही दोस्तों उसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने नहीं देता। दोस्तों पृथ्वी के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव महसूस होता है। दोस्तों इस दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर 400 किलोमीटर की हाइट पर परिक्रमा कर रहा होता है और इसकी स्पीड होती है 27,590 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी तुलना में दोस्तों ट्रैकिंग और रिले सैटेलाइट्स की बात करें तो ये सैटेलाइट्स करीब 35,400 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, वो भी दोस्तों अपनी उच्च कक्षा को बनाए रखने के लिए थोड़ी धीमी गति से यानी कि 10,780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और अब दोस्तों जो यान दूसरे ग्रहों पर जाते हैं उनकी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार पाने के लिए ज्यादा रफ्तार वाले रॉकेट्स की जरूरत महसूस होती है। वैसे तो साइंस के रूल्स के मुताबिक अगर किसी भी चीज को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को भेज सकती हैं और हमेशा के लिए अंतरिक्ष में पहुंच सकती हैं। और ऐसा करने के लिए दोस्तों यान की रफ्तार को करीब 40,225 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मेंटेन करनी होती है और इससे बड़ी बात यह है कि यान को उस ग्रह पर जाने के लिए पृथ्वी छोड़ने का सही समय भी पता होना जरूरी होता है। जैसे मंगल और पृथ्वी लगभग हर 2 साल में एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं और इसी दौरान जिस लॉन्च विंडो की बात होती है वो यहीं पर काम आती है ताकि उस वक्त में ज्यादा ईंधन बच सकता है और समय की बचत भी होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे चंद्रयान 3 की, जिसके लिए इसरो ने पूरा का पूरा टाइम टेबल सेट किया हुआ है और जो जानकारी मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं वो जानकारी आपके लिए भी बेहद खास है।
क्योंकि चंद्रयान 3 को ले जाने वाले तीन स्तरीय रॉकेट एलवीएम 3 रॉकेट की ऊंचाई 43 मीटर होती है और दोस्तों रॉकेट का वजन 642 टन का था। दोस्तों इस रॉकेट के फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल तो सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, तो वहीं तीसरे और फाइनल स्टेज में CE20 क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किया गया है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। और दोस्तों इन सब को मिलाकर के ही रॉकेट के टैंक की क्षमता 27,000 किलोग्राम से ज्यादा होती है, मतलब इतना फ्यूल इस रॉकेट के अंदर भरा जाता है। दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने चंद्रयान के इंजन टैंक टाइटेनियम प्रोपेलेंट टैंक को बनाया है। टाइटेनियम कम वजन वाली ज्यादा मजबूत धातु होती है, ज्यादा अंतरिक्ष अभियानों के अंदर इसी धातु का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों शुरुआती स्तर पर सॉलिड फ्यूल बूस्टर रॉकेट्स को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तकनीकी भाषा में दोस्तों ये रॉकेट को थ्रस्ट पैदा करते हैं। इसके बाद लिक्विड फ्यूल कोर रॉकेट को कक्षा में पहुंचाने के लिए थ्रस्ट को मेंटेन रखने का काम करते हैं। रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को प्रोपेलेंट कहा जाता है और इसका ज्यादातर अंतरिक्ष अभियानों के दौरान यूज होता है। तो इसके बाद में दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए CE2 क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है। ये इंजन दोस्तों एलवीएम 3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक अपर स्टेज को पावर देने का काम करता है। प्रभावशाली क्रायोजेनिक इंजन में हाईटेक सिस्टम लगाया गया है, ये रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों इसे रॉकेट के अपर स्टेज में लगाया जाता है। दोस्तों क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में इग्नाइटर, कंबशन चैम्बर, फ्यूल क्रायोपंप, फ्यूल इंजेक्टर, ऑक्सीडाइजर क्रायोपंप, क्रायोवॉल्व, गैस टर्बाइन, फ्यूल टैंक और रॉकेट इंजन नोजल लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये इंजन फ्यूल के लिए लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करता है। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करने के पीछे मुख्य वजह यह होती है कि ये इंजन हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं और बहुत कम तापमान में यान को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों चंद्रयान 3 की रफ्तार की बात करें तो लॉन्च के वक्त चंद्रयान 3 की रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो दोस्तों 108 सेकंड के बाद 45 किलोमीटर की हाइट पर पहुंच गया और यहां पर नया इंजन स्टार्ट हो गया। यहां पर दोस्तों लिक्विड इंजन का फायर शुरू हुआ और रफ्तार बढ़कर के 6437 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई और इसके बाद में आया 62 किलोमीटर का पॉइंट जहां पर रॉकेट के बूस्टर्स अलग हो गए। इससे रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। लिक्विड इंजन के अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया जिससे इसकी रफ्तार 16000 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर गई। दोस्तों इसी क्रायोजेनिक इंजन ने चंद्रयान 3 की रफ्तार को 36968 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा दिया, यानी कि 10 किलोमीटर 269 मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों लॉन्च के केवल 16 मिनट बाद ही चंद्रयान 3 जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच गया और अब ये धरती की धुरी यानी कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जहां दोस्तों चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे मैन्यूवर्स के जरिए एलिप्टिकल ऑर्बिट का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जो दोस्तों 22 दिन रहने के बाद अब धरती से 1,00,000 किलोमीटर की दूरी को जैसे ही पार करेगा वैसे ही ये चांद के ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाएगा और ये टाइम होगा 31 जुलाई का, जहां से एक सिंगल शॉट मारा जाएगा और इसके बाद 5 से 6 अगस्त को मून ऑर्बिट में ये दाखिल हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों ये मून के चारों ओर 13 दिनों तक चक्कर लगाता रहेगा। अब दोस्तों यहां बात आती है कि रॉकेट में जो फ्यूल था वो तो क्रायोजेनिक स्टेज के अलग होते ही खत्म हो चुका है, मतलब लॉन्च के केवल 16 मिनट के बाद ही ये तो पूरा का पूरा खेल ओवर हो चुका है। अब चंद्रयान 3 चल किससे रहा है? तो दोस्तों इस वक्त चंद्रयान 3 तीन तरह की एनर्जी से चल रहा है। एक तो इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, फ्यूल के दो टैंक हैं, दूसरा सोलर एनर्जी और तीसरा बैटरीज। दोस्तों फ्यूल की बात करें तो यहां पेट्रोल डीजल का यूज नहीं होता, ना ही इसमें एविएशन केरोसिन का यूज होता है जो हवाई जहाज में यूज होता है, बल्कि चंद्रयान 3 में भी सैटेलाइट में यूज होने वाला प्रणोदक यानी कि प्रोपेलेंट हाइड्राजीन ही होता है, जिसको जलाने के लिए नाइट्रोजन टेट्राक्साइड का यूज किया जाता है। दोस्तों इंजन में इसे जला करके ही चंद्रयान 3 को नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंचाया जा रहा है और दोस्तों इस वक्त इसकी रफ्तार 36968 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 40320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में है। और दोस्तों अब इसे 25 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में एक बहुत बड़ा ऑर्बिट मनोवरिंग करके आगे बढ़ा दिया जाएगा और ये 1,00,000 किलोमीटर के दायरे को पार कर जाएगा। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को 1,00,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में इसलिए डालना चाहते हैं ताकि वो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री यानी कि चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जा सके और इसी दौरान दोस्तों इसकी स्पीड जिसे वैज्ञानिक वेलोसिटी के तौर पर जानते हैं वो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए ये स्पीड बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी धरती
चंद्रयान 3 को वापस से अपनी ओर खींच लेगी और ये मिशन बर्बाद हो सकता है, लिहाजा इसरो वैज्ञानिक इसके इंजन को फिर से चालू करेंगे। दोस्तों, इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल में दो बड़े इंजन टैंक लगे हुए हैं जिनको जलाने से ही ऊर्जा मिल रही है। अब दोस्तों, 1 अगस्त को बड़ा काम होगा क्योंकि इस दिन इसरो वैज्ञानिकों को इंतजार है कि कब चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन के अंदर आ जाएं, यानी एक ही प्लेन पर मौजूद हों ताकि यान सही समय पर चंद्रमा तक पहुंच सके। इसके बाद दोस्तों, ये यान चांद के पास 5 ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और फिर 17 अगस्त के आसपास इसरो वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 की कक्षा को पकड़ लिया जाए, नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा को बाय बाय बोल करके ये बगल से निकल सकता है, यानी उससे भी आगे निकल सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर सब कुछ बेकार हो सकता है। चांद के ऑर्बिट में डालने के लिए चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, यानी कि 180 डिग्री का टर्न लिया जाएगा ताकि वो चंद्रमा के ऑर्बिट को सही से पकड़ ले। दोस्तों, ये काम चंद्रमा की सतह से करीब 84,000 किलोमीटर ऊपर होगा, जहां से चंद्रयान की गति धीमी की जाएगी और फिर इसकी गति को कम करके चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को 100x100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। फिर 23 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल गोलाकार ऑर्बिट में घूमता रहेगा और ये गोलाकार ऑर्बिट होगा 100x30 किलोमीटर की कक्षा वाला। और इसी दौरान दोस्तों, इसकी रफ्तार को कम किया जाएगा, तब इसे 8,568 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी जाएगी। चांद की कक्षा को पकड़कर रखने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि कम से कम 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति मेंटेन करनी होगी। फिर दोस्तों, इसे कम करके लैंडर को दक्षिण ध्रुव के पास में उतारा जाएगा। दोस्तों, इसरो चीफ ने कहा है कि चंद्रयान 3 लैंडर की वेलोसिटी को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा करके 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया है। मतलब दोस्तों, इस बार इसरो ने इसके अंदर वेलोसिटी को लेकर के एक मीटर लगाया है जो खास टेक्नोलॉजी है और वो ही इसे सेफ लैंड करवाने के लिए बेहद काम आने वाली है और इसी के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।